हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन ब्लू चिप मार्ट। आज हम इस वीडियो में 20 अक्टूबर की मार्केट कंडीशन देखने वाले हैं। देखेंगे कि मार्केट आज कैसे ओपन होने वाला है। यहाँ पे हम कुछ डेटा देखेंगे, लाइक एफआईडीआई का डेटा देखेंगे, एफएनओ डेटा देखेंगे, ग्लोबल कंडीशन देखेंगे क्या बन रही है फिलहाल, पिवट लेवल देखेंगे जहाँ से हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम पड़ेगा। साथ में हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखेंगे जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, या उससे इम्पैक्ट होकर कुछ सेक्टर चलेंगे या नहीं चलेंगे उसका हम देखने वाले हैं। साथ ही में हम यूएसडी आईएनआर की कंडीशन, गोल्ड की कंडीशन, हम बेस मेटल्स, उन सभी चीज़ों के बारे में हम मतलब इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपको मार्केट एनालिसिस करना आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ मैं। सबसे पहले अपनी शुरुआत करता हूँ निफ्टी 50, जो अपना मार्केट जो इंडियन मार्केट से, ठीक है, इंडियन मार्केट कल 0.3032% के साथ में गिर रहे थे। ठीक है, वही सेंसेक्स यहाँ पे 0.08% साथ में फ्लैट में बंद हुआ था। ठीक है, इसका मतलब है कि निफ्टी के जो टॉप 30 कंपनीज है या सेंसेक्स की जो 30 कंपनीज है उनमें ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी। कल जो भी गिरावट आई थी वो नीचे वाले स्टॉक में आई थी, इसलिए निफ्टी ज़्यादा गिरा है एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स। ठीक है, डॉ जोन्स देखते हैं, जो डॉ जोन्स यहाँ पे 0.56% के साथ में बंद हुआ, नैस्डैक यहाँ पे 0.71% के साथ में बंद हुआ, S&P 500 यहाँ पे 0.74% के साथ में बंद हुआ। तो US मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं कि कल जो मतलब कि पूरा नेगेटिव आया था मार्केट, मतलब नेगेटिव गिर गया था सब कुछ। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। कल जैसे थोड़ा सा रेजिस्टेंस था जो कि मैं आगे आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो FTSE 100 जो कि 0.19% पे ट्रेड कर रहा है, CAC 100 जो कि 0.05% पे है करंटली, DAX जर्मनी मार्केट जो कि 0.27% के साथ में वर्क कर रहा है। तो ये है यूरोपियन मार्केट जो कि ऑलमोस्ट पॉजिटिव काम कर रहे हैं। ठीक है, निके 225 0.62% के साथ में गेन है, हैंगसेंग 0.778% के साथ में गेन है, कॉस्पी 0.17% के साथ में गेन में। तो ये है एशियन मार्केट जो भी पॉजिटिव में काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो इंडियन मार्केट कंडीशन है वो पॉजिटिव है, तो ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं कि हम बोलेंगे कि मतलब डायरेक्टली भी गिरावट होकर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छा खासा मतलब सपोर्ट है मार्केट को अभी भी। ठीक है, आगे चलते हैं सेंसेक्स सेक्टरल के एनालिसिस देखते, सेक्टर में क्या क्या मतलब कि कल परफॉर्म किया था, क्या क्या नहीं किया था। तो यहाँ पे टॉप परफॉर्मर जो था वो आईटी सेक्टर था। ठीक है, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज था कि जो कि 0.18% के साथ में गेन में था। ठीक है, बट गिरे कौन यहाँ पे, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा टॉप लूजर था FMCG। ठीक है, उसके बाद में जो टॉप लूजर था वो मेटल सेक्टर था, उसके बाद में ऑटो सेक्टर था, देन फार्मा सेक्टर था लूजर जो कि 1.46% गिरा है, एंड देन एनर्जी सेक्टर था जो कि 1.44% के साथ में गिरा था। ठीक है, बैंकिंग यहाँ पे फ्लैट गिरा है जो कि 0.36% के साथ में यहाँ पे गिरा है। ठीक है, तो बैंकिंग का गिरने का रीजन यही है कि PSU बैंक जो है उनके अंदर गिरावट आई थी जो कि ऑलमोस्ट 3% की गिरावट और PSU बैंक में थी। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब कि बैंकिंग सेक्टर पर थोड़ा सा मतलब प्रेशर आया, जबकि फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे 0.18% मतलब कि पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते गोल्ड की अगर प्राइसेस देखो तो 0.02% की तेजी है गोल्ड में, सिल्वर की बात करूँ तो 1.483% की तेजी है यहाँ पे। ठीक है, बेस मेटल की अगर बात करूँ, बेस मेटल में यहाँ पे 0.42% की गिरावट है कॉपर के अंदर, एल्यूमिनियम की अगर अंदर गिरावट है 2.43% की, लेड के अंदर गिरावट है 0.71% की, निकेल के अंदर गिरावट है 0.01% की, जिंक के अंदर गिरावट है 3.76% की। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि बेस मेटल में आज गिरावट है एंड उसकी वजह से मेटल सेक्टर आज हमारा गिरेगा। ठीक है, आज मार्केट के किधर भी आए थोड़ा सा मतलब कि मेटल सेक्टर में थोड़ा सा क्या बोल सकते हम कि गिरावट या थोड़ा सा फ्लैट काम चलेगा, क्योंकि कल भी गिरा है तो थोड़ा सा मतलब रिवर्सल भी आएगा उसमें। ठीक है, बट मैं बोलूंगा कि आपको फ्लैट रहेगा आज मेटल सेक्टर, उसमें कोई ज़्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशन हमको नहीं है। ठीक है, वही USDINR की अगर बात करूँ तो USDINR में 0.09% की मतलब तेजी गिरावट है एंड 75.120 रुपीस वैल्यू है अभी एक डॉलर की जो कि थोड़ी सी हाई है। ठीक है, तो इसमें तो मतलब कि कोई मतलब कि है नहीं है, ये उतने में ट्रेड कर रहा है एंड धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट IT सेक्टर में पड़ते जा रहा है, IT सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आगे देखते क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर देखें हम तो ओपेक प्लस का जो है यहाँ पे 83.54 डॉलर पर बैरल के ऊपर काम कर रही है, 1.26% की यहाँ पे तेजी। इंडियन बास्केट की अगर बात करूँ मैं, इंडियन बास्केट यहाँ पे 83.51 डॉलर पर बैरल के ऊपर काम कर रही है एंड यहाँ पे 1.29% की तेजी है।
तो यहाँ पे भी मतलब कि ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मतलब मार्केट मार्केट को बहुत निगेटिव कंडीशन है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं, हम ये मार्केट के लिए भी निगेटिव कंडीशन है, ये आरबीआई के लिए भी निगेटिव कंडीशन है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, तो इससे इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा होगा एनर्जी सेक्टर को। जितना जितना क्रूड के पैसे बढ़ेंगे उतने मतलब कि एनर्जी सेक्टर वहाँ पे परफॉर्म करेगा। एनर्जी सेक्टर में कंपनीज कौन सी आएंगी? सबसे पहले रिलायंस आएंगी, ONGC आएंगी, IOC, BPCL, HPCL, है ना। तो ये सब कंपनी रहेंगी। गेनर्स एंड लूजर की अगर बात करूँ मैं, तो कल के मार्केट में गेनर्स एंड लूजर कौन थे? यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में भी कुछ गेनर्स थे। वहाँ पे टेक महिंद्रा था जो कि 4.26% के साथ में मतलब कि तेजी में काम कर रहा था। L&T था जो कि 3.33% के साथ में काम कर रहा था पॉजिटिव में। इन्फोसिस था जो कि 1.75% के साथ में पॉजिटिव काम कर रहा। कोटक बैंक था जो कि 1.61% के साथ में काम कर रहा था। बजाज फिंसर था जो कि 1.38% के साथ में काम कर रहा था। अगर लूजर्स की अगर बात करूँ तो टॉप लूजर तो अपना ITC था जो कि 6.27% के साथ में गिरा था। अगर मार्केट गिर रहा है तो सबसे पहले किसको बेचना चाहिए? ITC को। ठीक है, टाटा मोटर्स था जो कि 4.88% के साथ में गिरा गिरा एंड आईसी मोटर्स था जो कि 4.51% साथ में गिरा। हिंद यूनिलीवर था जो कि 3.64% की गिरावट है। गेल था जो कि 3.63% की यहाँ पे गिरावट है। तो ये कुछ तो गेनर्स एंड लूजर्स थे। उसमें आईटी सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक गेनर्स में थे ऑब्वियसली, क्योंकि कल आईटी सेक्टर परफॉर्म किया था। ठीक है, बैंकिंग के भी कुछ स्टॉक्स थे जो कि प्राइवेट बैंक के थे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ कि मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करूँ, तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको एक अच्छा खासा मोमेंट आपको दिखा है अभी तक। ठीक है, एंड यहाँ से अगर मैं एक्चुअल, तो मतलब कि जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि एक्चुअल रिवर्स आया था मार्केट में, तो हायर है, हायर लो की कंडीशन शुरू थी। ठीक है, तो कल मार्केट ने एक हायर बनाया था ओपनिंग में, एंड देन यहाँ पे लो तोड़ के नीचे गिर गया। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे अभी चेंज हो गई है। जो हायर है, हायर लो की कंडीशन थी वो चेंज हो गई अभी। ठीक है, मार्केट ने एक मतलब आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि जैसे कैंडल थी यहाँ पे हायर है, हायर लो की कंडीशन थी, उसके बाद में एक लो तोड़ देता है स्टॉक, बाद में थोड़ा सा एक स्टॉप लेता है। ठीक है, एंड देन फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट हो जाती। तो अगर आज जो हायर हाई जो था, ठीक है, हायर हाई लो की कंडीशन जहाँ पे थी और जहाँ पे अभी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया अपना मतलब कि हाई एंड लो। ठीक है, अगर आज मैक्स चांस है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि ब्रेक ले सकता है। ठीक है, ब्रेक लेके फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है, ये चांसेस अभी भी है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऐसे रहेगा, चांसेस यही भी है कि यहाँ से मतलब मार्केट एक अपनी डाउन साइड भी जर्नी शुरू कर सकता है ऐसी वाली। ठीक है, पर ज़्यादा ज़्यादा देर तक मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा दूर तक गिरेगा। जो आपको सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट लेवल रहेगा आपका एज पर माई एनालिसिस यहाँ पे 18,200 के ऊपर आपका सपोर्ट लेवल रहेगा, जहाँ पे मार्केट वहाँ पे आपका स्टॉप लेगा। ठीक है, अगर गिरावट आई भी तो। ठीक है, इससे कुछ प्रॉब्लम की बात उसमें है नहीं। फिर फ्यूचर ऑप्शन का डेटा देख के एनालिसिस करते उसमें। ठीक है, तो हमारा एड मनी जो लेवल है वो है 18,400 टू 18,450 का हमारा लेवल है। ठीक है, यहाँ पे हम सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट सबसे पहला जो हमको है वो 18,400 का लेवल है, जहाँ पे 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है, 18,300 का लेवल है जहाँ पे मतलब कि 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा 18,200 का लेवल, जहाँ पे मतलब कि मार्केट को ब्रेक करना हार्ड जाएगा मार्केट को। अभी करंटली तो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी 50,000 है ओनली। ठीक है, बट ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ेंगे जब मार्केट उसके पास में आएगा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं इसकी बात करूँ, रजिस्टेंस की बात करूँ, रजिस्टेंस में सबसे पहला जो लेवल आएगा वो आएगा 18,500 का लेवल, जो कि स्टॉप प्रॉफिट रजिस्टेंस है मार्केट के लिए। मैंने अभी तक देखा, अभी तक बोला आपको। ठीक है, एंड 18,600 का लेवल है जो कि उसके बाद का एक टॉप रजिस्टेंस लेवल बनेगा, एंड उसके बाद में 18,700 का लेवल। तो इसमें समाप्त करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि रजिस्टेंस लेवल कहाँ पर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो फिलहाल 18,400 है, उसके बाद में मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है 18,200। ठीक है, 18,300 को तो इजीली तोड़ देगा, अगर अगर 400 को भी ब्रेक कर दिया तो ब्रेक कहाँ पे लेगा? ब्रेक लेगा वो 18,400 के लेवल पे ब्रेक लेगा मार्केट। अगर मैं रेजिस्टेंस की अगर बात करूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 18,500 का लेवल, अगर इसको ब्रेक किया तो 18,700 तक मार्केट आराम से जाएगा। ठीक है, 18,600 के ऊपर ब्रेक भी नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस है, वहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉन्ट्रैक्ट का। बट फिर मैं बोलूँगा कि उसको उसके ऊपर ज़्यादा मतलब रुकेगा नहीं मार्केट, मार्केट डायरेक्ट उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, 700 के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लेगा। ठीक है, तो हमारा रजिस्टेंस लेवल है अभी करंटली 18, सपोर्ट लेवल है 18,400 का लेवल है, सपोर्ट लेवल है हमारे लिए।
देन 18,300 के लेवल के ऊपर है अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्ट, पर उसको ब्रेक कर सकते हैं मैक्स यहाँ से इजीली, ठीक है। तो 18,200 हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पे मार्केट जिसको मार्केट ब्रेक करने में थोड़ा सा हार्ड जाएगा मार्केट को, तो ये लेवल आपका इम्पोर्टेंट लेवल हो गया, ठीक है। मगर रेजिस्टेंस की अगर बात करूँ में सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा हमारा 18,500 का लेवल, जो कि टॉप रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। एंड उसके बाद में कोई लेवल रहेगा तो 18,700 का लेवल रहेगा जहाँ पे मार्केट ब्रेक लेगा, 18,600 के ऊपर मार्केट इजीली ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी लेवल्स आप बना सकते हो। आगे देखते हैं FIDIS के डेटा में अगर बात करूँ मैं, तो FIDIS के डेटा में ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, मतलब एक चेंज आया है, जैसे कि जो अभी तक मतलब कैश मार्केट में FIS यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग किया आज 500 करोड़ की, वहाँ पे सेलिंग किया कल, ठीक है। एंड जो अपने DIS है, DIS की सेलिंग कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ठीक है, पहले 700 करोड़, बाद में 400, 1700, 1700, 2500, ऐसी सेलिंग उनकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो DIS तो अपनी मतलब की कंटिन्यूस सेलिंग यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू रखी है, ठीक है, बस FIS यहाँ पे मतलब जब तक बाइंग कर रहे थे उन्होंने भी सेलिंग करना चालू कर दिया कैश मार्केट में, ठीक है। FNO के FIS इंडेक्स के डेटा में बात करेंगे तो FIS ने क्या कि यहाँ पे बाइंग किया 1771 करोड़ की यहाँ पे बाइंग किया है, ठीक है। एंड DIS ने यहाँ पे 772 करोड़ की यहाँ पे बाइंग की है, ठीक है। तो बस उनकी जो सेलिंग हुई थी ये बस कल के मतलब कि 18 अक्टूबर को सेलिंग उन्होंने किया था। ओवरऑल तो यहाँ पे उनकी जो कंडीशन थी बाइंग की, वो बाइंग की कंडीशन यहाँ पे उनकी शुरू है अभी फिलहाल, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव ले ज़्यादा हम पॉजिटिव नहीं ले सकते क्योंकि कैश मार्केट में सेलिंग हुई है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे जो कोविड सिचुएशन है, कोविड सिचुएशन में USA में कल 71,000 केसेस आ गए, ठीक है, जो कि नेगेटिव चीज़ है। एंड 1563 केसेस यहाँ पे डेथ काउंट आया नया वाला, ठीक है, और रिकवरी है 136,000 केसेस की यहाँ पे रिकवरी है, ठीक है। बट इंडिया में जो केसेस है अप्रॉक्स 15,000 केसेस है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा कम हो गए, ठीक है। डेथ काउंट है 199, जो कि 200 के नीचे है बहुत देर से, ठीक है। एंड रिकवरी है अप्रॉक्स 20,000 की रिकवरी है। तो इंडिया के लिए तो सिचुएशन ठीक है, बट US के लिए सिचुएशन मतलब कि अभी भी कंट्रोल में नहीं है उतनी ज़्यादा। ब्रोकर्स के कुछ रिकमेंडेशन की अगर बात करूँ तो ब्रोकर्स के रिकमेंडेशन में रूट मोबाइल है सबसे पहले, अक्यूमुलेट की मतलब कि रेटिंग दी है, अरियन कैपिटल मार्केट अक्यूमुलेट मतलब कि बाय करते जाओ उस लेवल पे, जब जब उस लेवल पे मतलब कि ऊपर नीचे करेगा कंसोलिडेट करेगा आपको बाय करना हर बार, ठीक है। टारगेट प्राइस है यहाँ पर 2585 की टारगेट प्राइस है, करंट प्राइस है 2171 का करंट प्राइस है, ठीक है। L&T इन्फोटेक होल की रेटिंग है MK ग्लोबल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ने, ठीक है, टारगेट प्राइस है 6400 का एंड करंट प्राइस है 6800 का करंट प्राइस है, ठीक है। देन L&T इन्फोटेक होल की रेटिंग मोतीलाल ओसवाल टारगेट प्राइस है 6430 एंड करंट प्राइस है 6848 का मतलब करंट प्राइस है। अल्ट्राटेक सीमेंट का बाय रेटिंग दिया है मोतीलाल ओसवाल ने, टारगेट प्राइस है 8700 का, करंट प्राइस है 71575 का। L&T इन्फोटेक का यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर ने बाइंग रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस है 6710 एंड करंट प्राइस है 6848 जो कि आ चुका है। आगे देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है अभी वो है प्योर लेवल्स, जिसके ऊपर से हम मतलब देखने वाले कि चार्ट के हिसाब से मतलब क्या हो सकता है, प्योर लेवल्स के हिसाब से क्या बन सकता है टारगेट रेजिस्टेंस वगैरह, ठीक है। हमारा करंट लेवल है 18,400 का लेवल है, यहाँ से टारगेट रेजिस्टेंस की अगर बात करूँ सबसे पहले तो 18,500 का लेवल, 523 का लेवल जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 2 जो कि 18,624 का रेजिस्टेंस है, देन रेजिस्टेंस 3 यहाँ पे 18,755 का थर्ड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूँ सपोर्ट यहाँ पे सबसे पहले सपोर्ट है 18,333 का, सपोर्ट 2 18,288 का एंड सपोर्ट 3 यहाँ पे 18,187 का यहाँ पे सर सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे 18,500 का लेवल है जहाँ पे एग्जैक्ट उसके पास में ये रेजिस्टेंस 1 है, ठीक है। उसके बाद में 18,600 का लेवल है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उसके रेजिस्टेंस 2 यहाँ पे एग्जैक्ट के पास में आता है, और 18,700 जहाँ पे मतलब कि उसके 50 पॉइंट ऊपर मतलब कि ये रेजिस्टेंस है। तो आप रैंडम आप ये ले लो, ये लेवल रखो अपने इसमें, यहाँ पे 18,000 ये लेवल आप रखो, ये आपको मतलब अच्छा रहेगा, ये अगर ब्रेक करता है तो आप मतलब कि
अपने पोजिशन आपके हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर 20 या आ गया 8624 आ गया तो आप उसके हिसाब से पोजिशन ले लो, ठीक है। यहाँ पे 50 का लेवल आ गया तो आप उसके हिसाब से मतलब कि अपना पोजिशन लो, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो। आगे सपोर्ट वन जो यहाँ पे 333 का यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट वन तक तो यही रहेगा 400 का लेवल, ठीक है। तो उसको देखो थोड़ा सा उसको संभल के, अगर वो ब्रेक करता है तो 333 तो मतलब कि इसलिए ब्रेक हो जाएगा, बट उसके नीचे जैसे हमारा 18 सपोर्ट 2 है जो कि 18,300 का लेवल है, जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट करंटली हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो आप देखना देन सपोर्ट 3 जो कि 18,200 और 18,187, तो ये आप देख लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो यही पे मतलब कि मे भी आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए हमको, एंड ऐसे डेली अपडेट में लेके आते होगा एंड डेली आपको मार्केट एनालिसिस करके देते होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।